Hello and welcome back to Kashmiri Eagle Eye. Since schools have been reopened after 3 long years of curtailment on schools due to COVID-19 pandemic and agitation of the abrogation of Article 370 and 35A in Kashmir Valley, the schools returned back to their schools with zeal. The schools have warmly welcomed their students after 3 long years. And so Kashmir Eagle Eye team is now at Nida Convent School, Naugam. So let's talk to some of the students of the said school to know more about their feelings. After they had returned to the school after 3 long years of break. आपका नाम? मोहम्मद शाहिद बेग. तो अभी हमारे साथ में है मोहम्मद शाहिद बेग. ये निदा कन्वेंट स्कूल नौगाम से हैं. कौन से क्लास में? आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th. तो मेरा सवाल यह है कि आपको कैसी फीलिंग है कि आप 3 साल के बाद जो है स्कूल रिटर्न हुए हो और जो लॉकडाउन पीरियड रहा? मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम आज 3 साल बाद स्कूल रिटर्न हुए एंड मैं आज अपने टीचर्स से मिला, अपने फ्रेंड्स से मिला और जो हम आज हमने थोड़ा इन्जॉय भी करा, स्पेशली जो हमारे प्रिंसिपल सर से, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आए एंड आज हम बहुत खुश हैं कि हमें आज स्कूल आने का मौका मिला आफ्टर 3 ईयर्स. थैंक यू वेरी मच. तो हमारे साथ एक और तालिबे इल्म जुड़े हैं, उनसे उनका नाम और क्लास पूछते हैं. आपका नाम और क्लास? मेरा नाम अरुणा फयाज है, मैं क्लास 10th में हूँ. तो कैसी फीलिंग है कि आप 3 साल बाद जो है स्कूल फिर से वापस लौटे हो? फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि 3 साल बाद आर्टिकल जब से टूटा है तब से आज हम पहली बार स्कूल आए हैं क्योंकि दिसंबर में ही कोविड हो गया. और जितनी आज हमें यहाँ पे खुशी हो रही है अपने टीचर से मिलके, अपने क्लासमेट से मिलके, इतना पहला कभी नहीं हुआ. लगता है कि शायद आज पहली बार हम स्कूल आए हैं. तो हमारे साथ एक छोटे तालिबे इल्म इसी स्कूल के जुड़े हैं, उनसे उनका नाम और क्लास जानते हैं. बच्चे आपका नाम और क्लास क्या है? ज़हन हमाद अब्दुल्ला. क्लास? नर्सरी. कितना खुश हुआ आज स्कूल आके? ज्यादा. ज्यादा कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा. मजा आया फ्रेंड्स के साथ? हाँ. कितना? ज्यादा. तो कुछ सुनाओगे हमें? हाँ. सुनाओ. अल्लाह इज वन रिलेटेड टू नन, नो फादर नो मदर नो सिस्टर नो डॉटर नो सन, अल्लाह इज वन. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो वी हैव अनदर स्टूडेंट राहत महबूब फ्रॉम पहलू. ही इज फ्रॉम द सेम स्कूल, निदा कन्वेंट स्कूल नौगाम. उनसे भी उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिटर्न हुआ है उनका 3 साल के बाद स्कूल में, तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं? मुझे बहुत खुशी हुई है आज. आज हमने बहुत खेला, प्रिंसिपल सर ने भी हमारे साथ खेला, हमने बहुत मज़े किए और साथ ही में हमें आज 3 साल के बाद स्कूल आए उसका हमें बहुत अच्छा फील हुआ. थैंक यू. सो वी हैव अनदर स्टूडेंट, लेट्स नो अबाउट हर नेम एंड क्लास. My name is Ansa Zuhur and I read in a class 8th. So, what are your feelings after you return to the school for after a break of 3 long years? हम बहुत खुश हुए कि हम बहुत excitement भी है कि हम स्कूल फिर से ओपन हुए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल पाए, अपने टीचर्स के साथ हमने बहुत enjoy किया, हमें बहुत मज़ा आया आज के दिन के हम, और बहुत खुश है कि स्कूल फिर से ओपन हुए, हम फिर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकेंगे. तो ये जो 3 साल का लॉकडाउन पीरियड रहा स्कूल्स पे, आप स्कूल नहीं आ पाए, तो स्कूल्स ने कैसे आपको कनेक्टेड रखा स्टडीज़ के साथ? पहले ऑनलाइन क्लासेस और फिर हमें नोट भी प्रोवाइड किया हमारे घर में और कम्युनिटी क्लासेस भी दिए. मतलब स्कूल ने बहुत कोशिश की कि हम पढ़ सकें, हम अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें कुछ पढ़ ही नहीं सकते. और रही ऑनलाइन बात, ऑनलाइन क्लासेस की बात, तो पहले नेटवर्क की इशू है कश्मीर में, सबसे बड़ी बात है नेटवर्क इशू. हम कभी नेट आते ही नहीं है और हमारी सोसाइटी में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो कुछ ही बच्चे दे पाते थे ऑनलाइन क्लास और कुछ बच्चे नहीं दे पाते थे ऑनलाइन क्लासेस. तो बेटर क्या ऑप्शन है एजुकेशन का, ऑफलाइन होना चाहिए कि ऑनलाइन ही होना चाहिए? ऑफलाइन होना चाहिए हमारे स्कूल में, ताकि हम टीचर्स को भी ध्यान रहता है स्टूडेंट पे कि कौन कैसा पढ़ रहा है, किसको कितना समझ आ रहा है. ऑफलाइन में हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते थे, ऑनलाइन में हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते थे, फिर हमने ऑफलाइन ही अच्छा है ऑनलाइन से. तो अगर फिर से स्कूल बंद हुए तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स बंद होने चाहिए कि नॉर्मल फंक्शन करने चाहिए? नहीं, स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए. अगर स्कूल्स बंद होगी तो हमारी एजुकेशन फिर से रुक जाएगी, हमारे फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा.
पड़ेगा। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि स्कूल जब फिर से बंद नहीं होने चाहिए, ताकि हम अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान रख सकें और हम अच्छे से पढ़ भी सकें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो वी हैव विद अस अनदर स्टूडेंट नेमली फैदुल अशरफ फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम द सेम स्कूल निदा कन्वेंट स्कूल नौगाम। Let's talk to him and know about his feelings after he returned to the school after 3 long years of break. I am feeling so much excited and the interaction on the first day is very beautiful in our school. और हमने जो देखा कि administration का ये फैसला जो है schools open करने का, ये एक बेहतरीन फैसला है, क्योंकि हमने देखा कि पहले abrogation of 370 article हुआ, schools बंद थे, फिर दिसंबर में COVID-19 और फिर से lockdown, तो जो students थे घर में वो addiction हो गए उन मोबाइल की ओर या गेम्स की ओर, या बहुत सारे जो बच्चे थे वो एडिक्ट हो गए ड्रग्स की ओर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है स्कूल खोलने का, क्योंकि इससे जो बच्चे होते हैं वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं और उनके जो गोल्स होते हैं वो दफन नहीं होते और ना ही उनकी एडिक्शन होती है ड्रग्स की ओर या ऑनलाइन गेम्स की ओर। तो ये बेहतरीन फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो 3 साल स्कूल बंद रहे, उस ब्रेक की वजह से जो आपको स्टडीज़ लगी, ब्रेक जो आपको ब्रेक लगा स्टडीज़ में, तो उससे क्या असर पड़ा है एजुकेशन पर? उससे काफ़ी ही बुरा असर पड़ा है एजुकेशन पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो घर में थे उनके पास स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और क्योंकि बहुत ही पुअर फैमिलीज से थे जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, वो एजुकेशन से दूर ही रहे, तो बहुत ही मुश्किलात झेलनी पड़ी उन फैमिलीज़ को भी, मतलब बहुत के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और जिनके पास थे भी टीचर के साथ इंटरेक्शन न होने के बावजूद, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता था कि एक क्लास देने के बाद क्या ये बच्चा क्लास दे भी रहा है या ये गेम्स खेल रहा है। तो जब हम स्कूल आए, इससे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, टीचर एक स्टूडेंट पर अच्छे से नज़र रखता है कि ये क्या करता है, तो इससे एजुकेशन बेहतरीन होती है बनस्बत उसके कि ऑनलाइन पढ़ने से। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन इज़, आपकी क्या मैसेज रहेगी गवर्नमेंट को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को? मेरी यही मैसेज रहेगी कि लॉकडाउन जो होता है, मतलब हो रहा था अब तक, उससे बहुत ही बुरा असर पड़ा है एजुकेशन पर, और अब ये ना हो, क्योंकि बच्चे जो है वो एडिक्शन ऑफ ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, वो बहुत ही बुरे कामों की ओर जा रहे हैं, ताकि हमारा उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए अब स्कूल ओपन ही रहने चाहिए। यही मेरी मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। So another student from Nida Convent School Naugam, Shoaib Mushtaq from Standard 9th. Welcome to Kashmiri Eagle Eye. Thank you, sir. So how do you feel after you return to the school from a break of 3 long years? We are feeling so excited today, क्योंकि आज जो है ना हमारा बहुत अच्छा दिन रहा है, आज हमने बहुत सारा एंजॉय भी किया है, इवन कि हमारे प्रिंसिपल सर जो है ना उन्होंने भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किया है, आज का दिन बहुत खास रहा है हमारे लिए। Say something about your school. My school, I think it's a unique school. क्योंकि हमारे स्कूल में है ना हर तरह की फैसिलिटी है, हमारे स्कूल में जो स्टाफ मेम्बर्स है वो भी बहुत टैलेंटेड है, उनकी तारीफ़ की जाए तो ख़त्म ही नहीं होती है, और हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो भी ये इस कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको कभी किसी कमी कोई कहम कमी जो है ना महसूस ना हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ख्याल भी रखते हैं और हमारी बहुत अच्छे तरीके से किरदारी भी करते हैं। और सबसे यूनिक चीज़ जो है ना हमारे स्कूल में इधर, वो ये है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी और ऑलराउंड डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है। क्रिएटिविटी वो बुकिश नहीं बनाते हमें, मतलब स्टूडेंट्स को बुकवर्म नहीं बनाते, वो क्रिएटिविटी पे जोर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी आर हियर विद द प्रिंसिपल ऑफ निदा कॉन्वेंट स्कूल नौगाम, नेमली फयाज अहमद, तो उनसे उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू कश्मीरी। वालेकुम सलाम सर, जो 3 साल के बाद स्कूल्स खुले हैं, आपकी भी एक्साइटमेंट होगी, तो हमारे साथ अपनी फीलिंग्स ज़रा शेयर करिए कि 3 साल के बाद आप फिर से स्कूल रिजॉइन कर रहे हैं और आपके बच्चे भी रिजॉइन हो रहे हैं स्कूल में, तो क्या फीलिंग है 3 साल के बाद? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पहले, जिसने फिर से मौका दिया है स्कूल आने के लिए। तो एज़ पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे पहले दिन स्कूल का जो दिन मनाया जाए वो खुशी के साथ मनाया जाए। हमने बच्चों का वेलकम किया है जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी, हमने वैसे ही किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का पहला दिन अभी तक ठीक निकला है, तो बच्चे भी खुश है, स्टाफ मेंबर्स भी खुश है, पर्सनली मैं ज़्यादा खुश हूँ। सर जो
अब जो है हमको बताइए सर, क्या मैसेज रहेगी गवर्नमेंट के लिए कि अगर फिर से कुछ ऐसा अनटुवर्ड हुआ या कोविड की कोई और एक वेव रिटर्न हुई तो क्या मैसेज रहेगी सर गवर्नमेंट के लिए? आपने जो देखा था, गवर्नमेंट ने पहले पहल बोल दिया ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन का आपने इफेक्ट देखा है, ऑनलाइन से बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो गए। मतलब गाँव में नेट नहीं चलता था, वो एक इशू था। दूसरा इशू ये था तो एडिक्ट बन गए थे बच्चे, कभी पबजी खेलते थे, कभी वो फ्री फायर खेलते थे, तो उसमें उनकी लत लग गई है। बहुत सारों ने अपने घर का नुकसान भी कर दिया है। तो आपने देखा था फिर कम्युनिटी क्लास में, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। कम्युनिटी क्लास मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि जो ओपन ग्राउंड होता है उसमें टीचर्स की नज़र स्टूडेंट्स पर नहीं होती। लगता है सबसे बड़ी बात जो है जो ऑफलाइन क्लासेज है वो भी रूम में, ताकि फोकस रहेगा बच्चे पर, बच्चा क्या करता है, बच्चा कैसा है, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कश्मीरी जो है ये हर किसी वायरस से लड़ते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है चाहे फोर्थ वेव आए चाहे थर्ड वेव आए, तो सबसे अच्छी बात है कि स्कूल्स को फिर से रीओपन किए, खुला रखे, ताकि हमारे जो आने वाली नस्ल है उनका नुकसान ना हो जाए। वी विश कि कोई कोविड वेव जो है वो रिटर्न ना हो और स्कूल्स ऐसे ही चलते रहे। सर अभी मैंने बाहर पता किया था कि आपके जो क्लास टेंथ के वो सारी पास हो गए, तो कैसे किया सर ये? और 488 आपका टॉपर है सर, तो क्या मुश्किलात झेलने पड़े इस कोविड 19 के पीरियड में उन तक पहुंचने के लिए और उनको इस काबिल बनाने के लिए कि वो 488 मार्क्स तक ले आए और सारे बच्चे पास हो जाए? हमारे जो टीचर्स हैं ना, उनने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आप हम देते ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में खुद में होता हूँ क्योंकि कोई बच्चा ऐसा ना हो जाए वो क्लास मिस करे। हम खुद जाते थे घर उनको, तो नोटिस देते थे, 10-15 दिन के बाद फिर जाते थे, देखते थे कि उन्होंने याद किया है कि नहीं किया है। और फिर मेरे जो स्टाफ मेम्बर्स हैं ना, वो एक एक करके जाते थे स्टूडेंट्स के पास घर। कभी वो वहाँ पर कभी हिस्ट्री पढ़ाते थे, कभी मैथ पढ़ाते थे, कभी साइंस पढ़ाते थे, कभी उर्दू पढ़ाते थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, इतना मुश्किल ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं आया जितना मुझे ये इस साल आया बच्चों को पढ़ाने के वास्ते। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे जो टीचर हजरात हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो पहले हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि 100% रिज़ल्ट हमारा आया है। 22 स्टूडेंट्स थे, 22 पास हो गए। तो सबसे जो बड़ी बात है, हमारा जो टॉपर है 488, तो लगभग है 410 से 480 तक है 20 स्टूडेंट, दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिनके 400 से डाउन मार्क्स है। अल्लाह का शुक्र है और टीचर्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम विद द कश्मीर ईगल आई। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर।